गायत्री मंत्र की अगर हम ओरिजिन की बात करें, उसके जो उद्भव स्थान की बात करें, तो वो हमें मिलता है एक पौराणिक कथा में, जो है ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ की कथा में। तो एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के ऊपर राजा कौशिक और उनकी पूरी सेना आश्रय लेने के लिए आती है। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के ऊपर इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी कि पूरी सेना खाना खा पाए, भोजन ले पाए। इसके बावजूद राजा कौशिक और उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन दिया गया। और ये बात जानकर, ये बात देखकर राजा कौशिक बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए। ऋषि वशिष्ठ जो एक सन्यासी थे, एक तपस्वी थे, इसके बावजूद उनके पास पूरी सेना को भोजन कराने के लिए जो एक सुविधा थी, वो कैसे आई? ये प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ और उन्होंने कुटीर में जाकर ऋषि वशिष्ठ से ये प्रश्न पूछा। प्रत्युत्तर में ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मेरे आश्रम में एक गाय है, एक गौ माता है, जिनके पास आप जो कुछ भी वरदान मांगो वो आपको दे देती हैं, और उन्हीं से वरदान पाकर, उन्हीं से भोजन की सामग्री पाकर मैंने आपकी पूरी सेना और आपके लिए भोजन की व्यवस्था की, भोजन का प्रबंध किया। ये बात जानकर राजा कौशिक को ये लगा कि ये जो गाय है, ये जो गौ माता है, इनका स्थान वास्तव में राजमहल में ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी गाय राजमहल में ही शोभा